यूपी में राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी योग करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने काबा के वायरल वीडियो पर बोलते हुए कहा कि कुछ लोग राजनीति से प्रेरित होकर काबा जैसे पवित्र जगह को भी नहीं छोड़ रहे। हमारे सहयोगी ने दानिश आजाद अंसारी से खास बातचीत की है, सुन। की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कोई योगा और एक्सरसाइज सेंटर नहीं है, ये मदरसे की तस्वीर है जहां पर ये तमाम युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह की जो एक्सरसाइजेस हैं, आसन हैं, वो इस वक्त करते हुए जो तमाम जो युवा हैं नजर आ रहे हैं फ्रेम में। आप देख सकते हैं कि एक तरफ डायरेक्शंस मिलते जा रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर ये तो तमाम युवा हैं योगाभ्यास कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी आए हुए हैं, वो भी मौजूद है। उनकी मौजूदगी में यहाँ पर बड़ी संख्या में देख सकते हैं आप कि ये मदरसे की तस्वीर कितनी जो है भव्य तस्वीर इस वक्त देख सकते हैं आपकी, योगाभ्यास करते हुए तमाम युवा इस वक्त। और सामने की तरफ देखिए कि छोटे बच्चों से लेकर के सभी बड़े बच्चे भी यहाँ पर शामिल हैं जो आज योगाभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर निश्चित तौर पर समझिए कि उत्तर प्रदेश में आज मदरसों में बड़ी संख्या में इसको लेकर के तैयारी की गई है, लिहाजा ऐसी ही तस्वीर उत्तर प्रदेश के लगभग हर उस शहर से आ रही है जहां पर इस तरह से मदरसों में तैयारी की गई है। और इसी को लेकर के ही अभी थोड़ी देर पहले ही हमारी बात हुई थी उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी से। आइए कुछ और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या नाम है? असरार अहमद। क्या महत्व आप समझते हैं योग का और योग का लोगों के जीवन? देखिए, योग करना चाहिए, ये वर्जिश है हमारे जिस्म को स्वस्थ रखने के लिए और हमें अपने बदन को अच्छा और तंदुरुस्त रखने के लिए। योगा जो आज योग दिवस के पूर्वाहार मौके पर तो हम हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद देते हैं। और ये तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि आप जो है वर्जिश करिए, बाहर निकलिए और वर्कआउट करिए ताकि आपका जो जीवन है वो और सफल हो सके। सभी मदरसों में भी इसी तरह से तैयारी की गई इस बार बड़ी संख्या में, बच्चों के जीवन में योग का क्या महत्व आपका? देखिए, बच्चे जो है पढ़ने के साथ साथ अगर वो योग सीखेंगे तो वो भी, योग जो है वो एक शिक्षा है और वो शिक्षा जो है वो फैलनी चाहिए। और योग को हम शिक्षा मानते हैं, किसी धर्म और किसी उससे नहीं जोड़ते बल्कि शिक्षा है और शिक्षा को योग में शामिल करना चाहिए। हमारे मदरसे से इंजीनियर भी निकले, डॉक्टर भी निकले, NCC में भी जाएं और आर्मी में भी जाएं, इसके लिए प्रयास हो रहा है और लगातार मदरसे जो है मॉडर्नाइजेशन हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर और ये जो हमारे साथ इस वक्त यहाँ के जो कुछ अलग अलग छात्र हैं वो भी यहाँ मौजूद थे, उनसे हमने बातचीत की और उनका साफ तौर पर यही कहना, देखिए कि योग को लेकर के इतना सकारात्मक। इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री दानिश आजाद जी हैं। सर, आज जो है बड़ी संख्या में मदरसों में किया जा रहा है योग अभ्यास, कैसे क्या कहना चाहेंगे आप? आज हमारे उत्तर प्रदेश के मदरसों में योग दिवस का आयोजन हो रहा है। हम भी लखनऊ के इस मदरसे में, आप देखिए, बड़ी संख्या में हमारे मुस्लिम नौजवान योग से जुड़ा, उसने योग एक हेल्थ के प्रति जागरूक करने की बात है। ये योग जो है ये किसी जाति धर्म मजहब विशेष से नहीं है, ये तो स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। तो इसमें तमाम विरोधी दल के लोग जो इस पे राजनीति कर रहे थे, आज उनको मुस्लिम समाज के नौजवानों ने जवाब दे दिया कि भैया अगर राजनीति करनी है तो मुस्लिम समाज के ऊपर राजनीति अब बंद कर दो, मुस्लिम समाज अब वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होने वाला नहीं, मुस्लिम समाज अपना डेवलपमेंट चाहता है और हमारी डबल इंजन की सरकार ने मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट को सुनिश्चित किया है। और आज मुस्लिम समाज एजुकेशन की बात, स्वास्थ्य की बात, एम्प्लॉयमेंट की बात और मुस्लिम समाज विकास की बात सुनना पसंद करता है और वही चीज हमारी योगी सरकार को मुहैया करा रही है। आज यात्रियों के काबा का वीडियो वायरल हो रहा है, आपको भी संज्ञान में होगा, वहां पर कुछ लोग हैं जो RSS और भारतीय जनता पार्टी के लिए बद्दुआ पढ़ रहे हैं। देखिए, ये तमाम चीज राजनीति से प्रेरित है और कुछ खास दल के लोग इस तरीके के वीडियो जानबूझ के बना रहे हैं ताकि समाज में भ्रम की स्थिति पैदा हो। बड़ी शर्म की बात है जो भी लोग इस तरीके के ऊपर राजनीति कर रहे हैं कि वो इतनी पाक जगह जाके इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, वो जगह इबादत की जगह है, उसको तो राजनीति से दूर रखना चाहिए। लेकिन जानबूझ के राजनीति से प्रेरित होकर इस तरह की वीडियो बनाना और उसको शेयर करना, ये दर्शाता है कि ऐसे लोग हमेशा मुस्लिम समाज के जाति धर्म मजहब के नाम पर उन्होंने राजनीति की है और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम समाज अब डेवलपमेंट की बात पसंद करता है, इसीलिए उसने हमारी योगी सरकार मोदी